हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर ललिगा टू लीग का मैच हो रहा है लिवेंट वर्सेस एलके के बीच, जो कि खेला जाएगा 11 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो लिवेंट एंड एलकी में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा ईएलसी को। ईएलसी के विनिंग चांसेस लिवेंट से भाई 10 गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका गोल रेशियो भी उनसे 10 गुना ज़्यादा है। अगर यहाँ ये अगर कहीं जाकर कोशिश करते हैं भाई, कुछ दो चार गोल करते हैं अगर ये 10 मैच में, तो उतनी देर में भाई ये टीम कम से कम 10 मैचेस के अंदर 15 गोल तो निपटा चुकी होती है। मतलब हर मैच के अंदर 2-3 गोल का रेशियो है एलके का। हाँ, बीच में फ्लॉप भी थी, मैं जेन्युइन बताऊंगा, बीच में फ्लॉप भी थी ये टीम। आप कहीं बोलो कि भाई बीच में तो गोल आए नहीं, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ गोल बीच में नहीं आए, लेकिन अब बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी हुई है टीम ने, तो इसलिए मैं इनको फेवर करूँगा। आगे बढ़ते हैं तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं सबसे पहले जो प्लेयर लूँगा, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मतलब ईएलसी के मैं अनगिनत ऑप्शन है यहाँ पर। देखो पहले मैं आपको बताऊँ, आपने पहला जो ईएलसी का प्लेयर लेना है वो है निकोलस कैस्ट्रो। चार प्लेयर आपने मेन उठाने हैं। सबसे पहला आपका जाता है एन कैस्ट्रो, जो कि असिस्ट में बादशाह है भाई। असिस्ट भी अच्छी कर लेता है, गोल तो भाई उसका मतलब गोल रेशियो तो एवरेज है, लेकिन असिस्ट बहुत अच्छा रेशियो है असिस्ट का। उसके बाद जे एंटोनियो की बात करें, तो यहाँ पर मैं जॉस एंटोनियो की अगर बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा एवरेज है, क्योंकि उसकी जगह पर आपको और कहीं अच्छे प्लेयर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर स्ट्राइकिंग पे हम बात कर रहे थे। हाँ, पहले आपने लेना है एमएल गजोनी। एक्चुअली मॉरेडल गजोनी की इन्होंने वापसी करवाई है, काफ़ी दिनों से आपने इसको गेम प्ले करते नहीं देखा होगा भाई। बहुत डेंजरस प्ले ओवर कर रहा है, मतलब आप ये लगा लो हर मैच में गोल आने का उम्मीद रहती है मेरे को, और इतनी कम सिलेक्शन है, और इसी चीज़ यही चीज़ इस मैच को जैकपॉट बनाती है, क्योंकि ये जितनी कम सिलेक्शन उतना फ़ायदा। उसके बाद एक प्लेयर इनका और था, देखो मैं एस बैरमेजो की अगर बात करूँ तो मेरे को सैजियो बैरमेजो से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्लानों को मैं लेता नहीं, प्लानों तो एकदम प्लान से हटके है हमारे, बिल्कुल बेकार है। उसके बाद मैनुअल नीटो को अगर आप चाहो ले सकते हो, नूनेस तो शायद ये लोग खिलाएंगे नहीं। फिर बचता है गर्शिज, बोर्जा गर्शिज खेला तो आप ले सकते हो, मतलब मेन जो हमने लेना था वो ले लिया। उसके बाद इनका एक प्लेयर है जिसका नाम, ये तो देखो जॉस एंटोनियो शायद ना इनका एक प्लेयर है, उसका नाम है टेटे करके है कुछ, पता नहीं टीम ऑरेंट, हाँ ये रहा टेटे, ठीक है भाई इसको लेना। ये है पेनल्टी टेकर, ये मेन पेनल्टी टेकर है। जितनी कम सिलेक्शन उतना फ़ायदा। अभी तक आपने दो प्लेयर जो उठाए हैं, वैसे तीन उठा चुके हो, जो दो उठाए हैं वो बिल्कुल की प्लेयर है। उसके बाद इनका फोर्थ प्लेयर एक और है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, वो देखिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ इस मैच। तो गाइज उस प्लेयर का जो मैं जिस प्लेयर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एनएफ मरकाओ। एक्चुअली ये आपका मेन प्लेयर है, इसका गोल आ सकता है। कई लोग हैरान हो गए होंगे कि डिफेंडिंग में इतना ट्रस्ट कैसे दिखा रहा है, मैं आपको बता दूं इन्होंने जान पूछ कर इसका नाम डिफेंडिंग में डाला हुआ है भाई। एक्चुअल में ये एक मिडफील्डर और स्ट्राइकर है, इसलिए ये तो बहुत काम का प्लेयर है। ये चारों प्लेयर भाई आपकी जीत के कारण बनेंगे, ये चारों करंट फॉर्म इनकी सबसे टॉप चल रही है, आप मान लो मेरी बात, क्योंकि ये तीन की प्लेयर आपको मैच जितवा के लेके जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद स्ट्राइकिंग की बात करें, एम बॉल्डिनी को लूंगा। बॉल्डिनी के बाद डी गोमेज को अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो एफ डॉस सैंटोस को ले सकते हो, बट मैं तो दोनों के साथ ही नहीं जा रहा, क्योंकि आई वांट मिडफील्डर्स। मिडफील्डिंग में पी मार्टिनेज के बाद एल्वरेस भाई, कंफर्म एल्वरेस भाई। मैं लोजैनो के साथ नहीं जा रहा, टाइम वेस्ट प्लेयर है भाई, इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, इसने कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा। एंड बात करें यहाँ पे डिफेंडिंग के अंदर हमारे पास तीन और ऑप्शन है, और तीनों जो मेरे प्लेयर होंगे वो ईएलसी के होंगे। सबसे पहला है हमारा जी क्लर्क, ठीक है, सी क्लर्क को यहाँ पर लूँगा। क्लर्क के बाद पी विकास अगर खेला तो बहुत मेन है, बहुत पहले, क्योंकि ये ललिगा मेन लीग में भी खेला हुआ है। और गैस्पर, ये हमारे चारों प्लेयर डन हो जाते हैं। वैसे पांच डिफेंडर खेलेंगे, नीचे से भी कोई एक आधा और खेलेगा, बट मैंने आपको बताया ना कि वी हैव टू टेक फोर डिफेंडर, सबसे मेन है इन फर्नांडिस। तो बात करें यहाँ पर अगर हम क्या गोल कीपिंग की, गोल कीपिंग सेक्शन में ये फर्नांडिस को लूँगा। कैप्टन की बात करें, कैप्टन है एमएल गजोनी। वाइस कैप्टन कई लोग बोलेंगे कैस्ट्रो, ठीक है, मोरेट को तो कोई नहीं रखेगा, लेकिन मैं रखूंगा एन फर्नांडिस को। बहुत बड़ी मेगा की टीम है भाई, मतलब अगर ये चल गई ना तो कम से कम आप 200 पॉइंट से जीतोगे अपने ओपोनेंट से, इतनी ख़तरनाक टीम है ये, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके बनाई गई है, इसलिए तैयार रहो। यही है हमारी मेन टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।